सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट देना चाहेंगे सेंट थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो आर्मेनिया में थी उसका लाइसेंस वहाँ की मिनिस्ट्री के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जैसा कि सितंबर अक्टूबर 2021 में भी हमने आर्मेनिया के बारे में जो स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र ले रहे थे उनको उस टाइम भी आगाह किया था, और नवंबर में नोटिफिकेशन आया था एमएससी की तरफ से, उनको रिसीव हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साइंस कल्चर एंड स्पोर्ट्स आर्मेनिया की तरफ से, जो उन्होंने बताया था कि इसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। फाइनली उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और इंडियन एम्बेसी ने गाइडलाइन दिया है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ एडमिशन नहीं लें। अब बात आती है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज़ कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो वो लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, तो आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। लेकिन अभी भी जब आप ट्रांसफर लें तो आपको ध्यान देना कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लें जहाँ पे किसी भी तरह की फैकल्टी के इश्यूज हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हों, या फिर कोई भी इररेगुलरिटीज़ हों, जो अनियमितताएँ जहाँ होती हैं वहाँ लाइसेंस कैंसिल होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह भी इस नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि जल्द से जल्द जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी गाइडलाइन या एडवाइजरी जारी की जाएगी, और वहीं के जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उनमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आपकी पढ़ाई का पूरा ध्यान दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो आपको कोई हर्डल ना आए, ये भी उनकी तरफ से कोशिश जारी रहेगी। और इसके अलावा मैं आपसे भी से ये भी कहना चाहूँगा कि हमने बहुत बार हमारे वीडियोज़ में बोला है कि आप अब्रॉड में जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आप पहली प्रायोरिटी अपनी में जो गवर्नमेंट की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रखिए, जहाँ पे एजुकेशन अच्छा है वो आपको देखना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कंसल्टेंट पैसा लेते हैं, पैसा बनाते हैं, और जो अनियमितताएं होती हैं उसके कारण इंस्टीट्यूशन जब बंद होता है तो फेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को करना पड़ता है, क्योंकि कंसल्टेंट तो फिर उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र दिलाने का पैसा कमाने के लिए रेडी है। तो आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप एडमिशन इस ईयर में प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और बाकी आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।